नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, जिनको नहीं पता है, बेसिकली हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है, सभी को मैंने प्राइवेट क्लास का लिंक दे दी है जिन्होंने हमारे वीडियोस को शेयर किया था। अगर आपको नहीं मिला है तो आप दोबारा मुझे हाई हेलो कर सकती हो, या फिर मैसेज कर देना, डायरेक्टली यहाँ पर कर देना या फिर यहाँ कर देना, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ कर देना, आपको प्राइवेट क्लास नंबर 47 का लिंक मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आज मैंने बाय किया है टाटा का ये शेयर। नाम आपको बताने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मैंने बाय किया तो प्लीज कॉपी मत करना, ठीक है। मैंने क्यों बाय किया है उसका रीजन मैंने आपके साथ शेयर कर रखा था मेरे चैनल के माध्यम से, मतलब इंस्टाग्राम पेज है, एक रील मैंने अपलोड किया था येरा। अब वो रील की जो क्लिप पर चलने वाली है, अब आगे आपको दिखलाता हूँ एक बड़े व्यू में। ये तो शॉर्ट वीडियो था, अब शॉर्ट वीडियो के अंदर इतना अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अब आपको एक बड़ा व्यू दिखाता हूँ कि ये स्टॉक डबल भी क्यों हो सकता है, और मैंने स्टॉक को क्यों बाय किया है आज, और मैंने किस प्राइस में किया है वो भी आपको बतलाऊंगा, तो आप बने रह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज अप्रैल महीने के लिए सबसे अच्छा स्टॉक मुझे कौन सा लग रहा है। मेरे नज़रों में टाटा पावर है। अदानी पावर ने तो पैसा डबल कर दिया है, अब जो नंबर है वो टाटा पावर का है। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और लास्ट 6 महीने से स्टॉक एक रेंज बना रहा है। दिखाता हूँ कि किस पैटर्न की वजह से मैं कह रहा कि स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है, बस आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ मैंने मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है टाटा पावर का, और आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट 6 महीने स्टॉक एक रेंज बना रहा है, और इसी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत जल्द इसको ब्रेकआउट कर सकता है, और साथ में मार्च के महीने में स्टॉक में एक मंथली इनसाइड वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बस आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है 211 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 211 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक में एटलीस्ट 10-20% रिटर्न के लिए वेट कर सकते। तो दोस्तों, आपने सुना कि टाटा पावर को आप डेफिनेटली अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। मैंने खुद स्टॉक का जो बाय किया है 250 रुपए के प्राइस में बाय किया है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं तो स्टॉक को 245 के प्राइस में बाय करना चाहता था, लेकिन वो भाव मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैंने उसको भी अंत में 250 रुपए के भाव में बाय करना पसंद किया, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा था कि 245 आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो 245 नहीं आया, तो अंत में मुझे शाम को जाते जाते इसको बाय करना पड़ा इस भाव में। लेकिन यहाँ भी मैंने बाय करा सही भाव है, ठीक है, क्योंकि इसका एक रीजन है, और यहाँ से डबल भी वैसा कर सकता है। और मैं डबल के लिए इंतजार नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको अपना एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टॉक पर कैसे काम करने वाला हूँ वो आपको एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। दो तरीके से मैं अप्लाई करने वाला हूँ, पहली बात सुन लेना ढंग से भाई, ठीक है। आपको सिखा रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। टाटा पावर को मैंने क्यों बाय किया, सिलेक्शन पर चल गया, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, और दूसरा अदानी पावर ने पैसा डबल किया है, तो ये भी पैसा डबल कर सकता है। उसका एक रीजन मैं आपको दिखाता हूँ, उसका एक रीजन है, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले देखो कि एनएससी में कैसे काम हुआ है, ठीक है, एनएससी में कैसा काम हो वो देखो आप, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना भाई। कितनी डिलीवरी उठाई गई है आज वो देख लो पहले, 1 करोड़ शेयर्स लोग घर लेके गए, 25% डिलीवरी उठाई गई है। अब आपको दिखाता हूँ कि टाटा पावर में क्या हुआ है, क्या आपको करना चाहिए, मैंने क्यों स्टॉक को बाय किया। देखो, टाटा पावर का अगर आप खोलोगे तो मंथली बनना है, इनसाइड वाला कैंडलशिप पैटर्न बन जाता है इसको मंथली में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्टॉक लगातार एक डब्बे में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये भी एक सेकंड रीजन है स्टॉक को बाय करने का। तो हमारा जो बाय एक्टिव हुआ इस कैंडल के हाई में हुआ है 245 के भाव में, ठीक है। तो अगर स्टॉक फ्यूचर में 245 आता है तो डेफिनेटली बाय करना, और ध्यान रखना मैंने इस स्टॉक में बैकटेस्ट किया है, ठीक है। आई थिंक मेरा बैकटेस्ट की सीट भी बढ़िया था, दिखा देता हूँ, कुछ मित्र है, ठीक है, उन्होंने ये बैकटेस्ट की सीट भेजी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 महीने की सीट हमने चेकआउट करी है अभी, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की और मार्च की। मार्च तो भी चल ही रहा था, हाँ मार्च चले गया है, ठीक है। तो हाँ, 4 महीने के हमने बैकटेस्ट किया है, मोटा मोटी 4 महीने के अंदर हमें जो पैसा मिला है, जो स्ट्रेटजी है बताने वाला हूँ, 50-60 रुपए मिला है। तो ये 200 रुपए का शेयर है, हमें 50 रुपए मिल गए ट्रेडिंग करके। अब वो ट्रेडिंग का तरीका क्या आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टॉक को ट्रेडिंग करने के लिए बाय किया, ना कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए बाय किया है। ऊपर तो पैसा जाएगा तो वो तो आराम से बनेगा, उसमें हमारी सेहत को फर्क भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस 211 रुपए का, 210 रुपए का, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 210 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो टारगेट रहेगा 245 माइनस 210 माइनस कर लो, आराम से आपको 10-20% देखे जा सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पहली बात समझ आ गई स्टॉप लॉस का क्या खेल है।
अब आता है असली गेम ट्रेडिंग का। तो आपको ट्रेडिंग का तरीका बताया था कि स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करनी। आज भी अपॉर्चुनिटी मिली थी तभी मैं थोड़ा डिले हो गया स्टॉक को बाय करने का। अगर आपको याद होगा मेरी प्राइवेट क्लास नंबर कौन सी, क्लास नंबर आई थिंक 40 से लेके 45 के बीच में मैंने ये सेटअप बताया था आपको, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है वहाँ आ जाओ, सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बाकी आपकी मर्जी। ट्रेडिंग देखो वही करना जो जिनके पास टाइम है जो बैठ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो आपको मैंने अभी बैकटेस्ट का डेटा दिखाया ना, ढंग से आपको दिखा नहीं होगा वैसे, ठीक है। इसके अंदर पूरा का पूरा आपका इसी का डेटा है, किसका, टाटा पावर, तीन से चार महीने का। आप करके देखना अगर पैसा कमाना है, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या है, ये स्टॉक में अब मोमेंटम आएगा, तो जब भी स्टॉक में मोमेंटम आता है तो वो स्टॉक ना ऊपर की तरफ भागता है, नीचे की तरफ भागता है। तो हमें दोनों तरफ काम करना है। अब दोनों तरफ काम कैसे किया जाता है, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले सीएनसी में माल पकड़ लो, ठीक है, स्टॉक में। अब मान के चलो मैंने इसमें 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब 25,000 रुपये का मैं क्या करूंगा, एमआईएस ऑर्डर पे लूंगा। अब एमआईएस ऑर्डर करने के लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा पैसा अपलोड करना पड़ेगा, नहीं। मैं 25,000 रुपये को क्या करूंगा, प्लेज मार दूंगा। 25,000 का प्लेज मार दूंगा तो मुझे सिर्फ 0.2% देना होगा, आई थिंक 100 रुपये ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो 25,000 रुपये का जब प्लेज मार दूंगा मतलब अपने शेयर गिरवी रख दूंगा, तो मेरे पास मोटा मोटी 15,000 रुपये आ जाएगा, आराम से 15,000 और 16,000 रुपये आ जाएगा। अब इस 15-16,000 की मैं ट्रेडिंग करूंगा जितनी क्वांटिटी मेरे पास है, मतलब मेरे पास 100 क्वांटिटी है सीएनसी में, तो मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेडिंग करूंगा और दिन के सिर्फ 1 या 2 ट्रेड मारूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लालच नहीं करना है, बस दो एक ट्रेड मारना है। अब वो ट्रेड कैसे मारना वो देख लो, आप स्ट्रेटजी या तो खुद बना लो या जो मुझे पता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, मैंने लगा रखा है यहाँ पर RSI 65 और 35 का लगा रखा है, ठीक है। ये वॉल्यूम कैंडल लगा रखा है और इसमें मैंने SMA अप्लाई किया है, 5 पीरियड का SMA वॉल्यूम कैंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऊपर मैंने ये हाई में लगाया, मैंने देख सकते हो ये मूवी का मुझे लगाया 5 का हाई में लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मैंने स्टॉक को शॉर्ट मानना है, मैंने स्टॉक को शॉर्ट मानना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्टॉक को शॉर्ट ही मानना है, मैंने बाय नहीं करना है। अगर आपको बाय करना आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाय करके स्टॉक को बैठा हूँ सीएनसी में, तो मैं बाय करने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं इसको शॉर्ट मारूंगा एमआईएस में, मोस्टली मैं जो डे ट्रेडिंग करूंगा एमआईएस में शॉर्ट मार के ही काम करूंगा, ठीक है। तो पहले शॉर्ट का समझ आ गया, अब मारना गया कैसे मारना वो देख लो। आपको ढूंढना है एक ऐसा रेड कैंडल जो 5 SMA को काट रहा हो, देखो 5 SMA जो रेड वॉल्यूम कैंडल को काट रहा हो। देखो यहाँ पर किसी ने काटा नहीं, काटा नहीं, लेकिन इसने काटा इस कैंडल ने। अब इस कैंडल का जो हाई लो है वो मार्क कर लो, कैंडल मतलब ऊपर। तो देखो हाई लो आपका ये होता है और ये आपका हाई आपका ये है। तो ध्यान रखना जो कैंडल काटेगी लो वहां पर आपको शॉर्ट मार देना है सेम क्वांटिटी। तो मैंने 247.90 में सेल मार दिया, लेकिन हमारा ट्रिगर ऑर्डर नहीं हुआ, ऑर्डर पंच नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त ऊपर भाग गया, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी अब ट्रिगर कैंडल नहीं बनी, इसको इग्नोर मारो। अब नई कैंडल ढूंढो दोबारा से, सेम ऐसी कैंडल वॉल्यूम कैंडल ढूंढो, ढूंढने काम स्टार्ट करो, बैठो सिस्टम में, ठीक है। बैठ सकते हो तो बैठो। देखो ये इसको चूमा, जो चूमेगा उसको नहीं करना है, जो काटे उसको करना है। देखो इसने काटा तो ये कैंडल का लो हमारा सेल रहेगा। दोबारा दिखा देता हूं, इसको लाल कर देता हूं, ठीक है, ये सेल रहेगा और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब ध्यान रखना स्टॉप लॉस का भी तरीका है, स्टॉप लॉस का भी एक तरीका है, वो आपको बताने वाला हूँ अभी मैं, बने रह सकते हो। तो यहाँ शॉर्ट मार दिया 100 क्वांटिटी, सीएनसी 100 क्वांटिटी पड़ी है, तो हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मोटा मोटी मेरा 100 रुपये का लॉस है, ठीक है, और प्रॉफिट मेरा यहाँ पर 200 रुपये का होगा। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा डबल रहता है, ठीक है। अगर रिस्क 1 का ले रहे हो तो रिवॉर्ड रखो 2 रुपये का, तभी आप अंत में प्रॉफिटेबल रह पाओगे। तो अब आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है क्लोजिंग बेसिस में, और मैं यूज कर रहा हूँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, और आपको क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप देखो क्लोजिंग बेसिस, इसने देखो क्लोज किया कैंडल नहीं किया, इस कैंडल ने क्लोज किया है, इस कैंडल ने, तो इस कैंडल के हाई में हम अब क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ नीचे शॉर्ट मारा था उसको मैं कवर कर लूंगा। और अब मेरा यहाँ पर लॉस हो गया डे ट्रेडिंग करके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये भाई रिवर्स भी काम करती है, तो मैं इसी कैंडल के हाई में बाय करके बैठ जाऊंगा सेम क्वांटिटी जो मैंने शॉर्ट मारी थी। तो ये मेरा अब बाय प्राइस बन गया 250.70 का और 248.90 का मेरा स्टॉप लॉस बन गया। तो ये जो रेंज है इसी की रेंज का मैं वेट करूंगा टारगेट का अपर साइड में। और देखो टारगेट आया, ओहो बहुत अच्छे तरीके से टारगेट आया, देखो टारगेट आ गया। तो हमें जो लॉस हुआ था ट्रेडिंग करके वो वहां से रिकवर हो गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेड करना। समझ आ गया भाई, ये है गेम प्लान। आज आपको क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। अगर आप इसका 3 महीने का बैक टेस्ट करके देखोगे डेटा, मैंने किया है, मैंने नहीं किया, एक भाई ने किया है, ऑलमोस्ट हमें 50-60 रुपये मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है,
यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सीट बना रखी है, ठीक है, ये मार्च का डेटा है, ठीक है, मार्च में हमने जो ट्रेडिंग करी 3 मिनट के टाइम फ्रेम 1:2, आप खुद देखना, ठीक है, बिल्कुल यही आपको मिलेगा, ये 1:2 है, इसको अगर आप जो सम करते हो तो आपको देखने को मिलेगा, देखो काउंट आ रहा है यहाँ पर, काउंट दिख रहा है, ठीक है, सम दिख रहा है, सम 33 रुपये आता है, और ये हमने रिवर्स ट्रेड मारे, देखो ये लिखा ना रिवर्स ट्रेड, अगर आपको दिख पा रहा है, जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखो ये रिवर्स ट्रेड दिख रहा है, ये रिवर्स ट्रेड मारे, वहां से 32 रुपये मिला हमें 2 महीने में, और यहाँ से 5 रुपये मिला, 32 और 5 37 रुपये होता है, ये मात्र 2 महीने का डेटा है, मार्च फरवरी जनवरी और दिसंबर का डेटा एक भाई ने हमें मेल किया था, उसमें भी हमें मोटा मोटी 30 रुपये मिला है, तो 30 रुपये ये रहा, और आपका इसको जोड़ा हमने 30 रुपये वहां से मिला, और 38 रुपये यहाँ से मिला, 60 रुपये मिला है, और आपको पता है इसका स्टॉक का प्राइस टाटा पावर का मात्र कितने रुपए का है, मात्र 250 का है, 250 में 60 रुपये मिला, मतलब 20% तो हमने ट्रेडिंग करके कमाया, साथ में दिसंबर के महीने में जो प्राइस था इसका, आप खुद देख लो दिसंबर के महीने में प्राइस क्या था टाटा पावर का, ये रहा, मान के चलता हूं कि दिसंबर के महीने में 203 रुपये का प्राइस था, तो 203 से आपका 250 रुपये यहाँ हो गया, और हमें 50 रुपये यहाँ से मिल गया, और 70 रुपये वहां से मिल गया, मोटर 100 रुपये मिल गया स्टॉक में, 250 रुपये के प्राइस, 250 रुपये का स्टॉक हो गया अभी, और हमें यहाँ पर 100 रुपये मिल गया, ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी 30 से 35 रुपये का रिटर्न आ गया स्टॉक में, समझ गए, ट्रेडिंग करके भी, और हमने जो CNC माल रखा हुआ था वहां से भी, दोनों को करोगे तो 30% का रिटर्न आ गया, मोटा मोटी कम नहीं होता 30% यार, ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है, आप इसको बैकटेस्ट करके देखो, और अगर हो सके तो मुझे मेल करना, अगर बैकटेस्ट कर सकोगे ना तो मुझे अभी कैडिला शेयर का बैकटेस्ट करवाना है किसी से, जो बंदा रेडी है वीडियो अंत तक देख रहा है, तो एक जैकपॉट दे रहा हूँ, अगर आपको मेरी टीम में शामिल होना है तो आपको बैकटेस्ट करना पड़ेगा, अगर मेरे से जुड़ना है आपको अपना व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम नंबर जो भी आपको चाहिए सब दे दूंगा, ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेरा जो सेटअप होगा उसको आपको बैकटेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं आपको अपनी आईडी दे रहा हूँ, ये आईडी मेरी है, इसमें मेल कर देना कि भैया मैं रेडी हूँ करने के लिए, तो मैं आपको फिर स्टॉक का नाम स्ट्रेटजी समझा दूंगा एक बार एनिडेक्स में आके, उसके बाद अगर आप 2-3 साल का डेटा चेक करके मुझे दे दोगे तो डेफिनेटली हम आगे फिर बात करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको वो पैन स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अंत में ट्रेडिंग ही करनी है ना, तो इसके लिए मुझे थोड़ा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हो कॉस्ट आ जाओ भाई, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, तो भाई कॉपी मत करना, बता दिया मैंने क्यों स्टॉक को बाय किया, मैं कुछ उसमें ट्रेडिंग करने वाला हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से कर पाया प्रॉपर बैठ, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता है, अगर मैं बैठ गया तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें भी हम करेंगे फिर हम, ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, समझ आ गया स्टॉक क्यों बाय किया टाटा पावर को, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है, आपको ट्रेडिंग कैसे करनी वो बता दिया, और आपको स्विंग करना वो तो तरीका बता ही दिया है, चलो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।